प्रोग्राम टॉक ऑन टैक्स दे विच एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है। मैं हरमिंदर सिंह बसरा। इस बार भी तुहाडे लई असीं जिहड़ी गल करांगे कि जिथे टैक्स नाल रिलेटड जो समस्यावां उहनां नूं लैके असीं इह प्रोग्राम लैके आउंदे आ, उत्थे ही इह सारीआं समस्यावां दे उत्ते गल करन दे लई तुहाडे सवालां दे जवाब देण दे लई साडे नाल हमेशा स्टूडियो विच मौजूद हुंदे ने चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश गेरा जी। मुकेश जी, पहला तां बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा। ठीक है, थैंक यू सर। मुकेश जी, अगर आप गल करते हैं कि जो पिछली बार आप प्रोग्राम कर रहे थे, आप उस तो बाद कई कॉल्स आई थी, थानू भी मैसेजेज आए आ कि जी एन जी ओ आ सोसाइटीज आ एन जी ओ आ इन जस्थावान आप कह दें कि जो आप फगवाड़े की गल करते हैं होर पंजाब अपना संस्थावान का एक घर है, इन संस्थाव ने बहुत सारे सवाल होंगे उन्होंने, जे नहीं होंगे तो उन्होंने पता ही नहीं लगता कदों वह कानून के जेडे अपने लफड़े के पै होंगे। तो उन्होंने जानकारी देने लिए असी एक प्रोग्राम विशेष रखा सी, ते तुसी उहदे बारे जानकारी देने लिए गल की सी। ते पहला आपां इह गल करिए कि आपां जिन्नियां एन जी ओज हुंदियां मैक्सीमम दे पिछे लगदा सोसाइटी शब्द लगदा, इह सोसाइटी की है? सर, इस तरह है कि जिस तरह आप एन जी ओ की गल करते, एन जी ओ का मतलब है कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिहड़े कि आपां कह लईए समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, उन्होंने आप एन जी ओ कह दें। समाज की भलाई लिए जो आप कोई संस्था बनाने वो जिनलिए सानू गवर्नमेंट तो परमिशन लेनी पैंदी है, वो जिहड़ी संस्था है वो काफ़ी तरीक़ां नाल बनी जा सकती है, कोई उन्हें सोसायटी बना लैंदा, कोई उन्हें ट्रस्ट कर लैंदा है, और कोई जिहड़ा हैगा आ उन्हें अपनी कंपनी दे विच बना के रजिस्टर करवा सकता। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स है कि तुसीं किस दे अंडर रजिस्टर कराना, सोसायटी कराना, ट्रस्ट कराना है कि कंपनी अपन बना के करना। जे सोसायटी करानी, सोसायटी की होंदा है, सबनों ईजी जिहड़ा प्रोसैस है सोसायटी है, जो सत्त मैंबर तुहानू चाहिए इकट्ठे होकर एक सभा बना लेंदे आ, उसनों असीं रजिस्टर करवा लैंदे सोसायटी एक्ट 1860 जिहड़ा पंजाब दा हैगा आ उहदे अंदर रजिस्टर करा के एक सभा बन जाती है। इसलिए घट्टो घट जिहड़े आपां उस लोड़ींदे जिहड़ा आपां संस्था बनानी है उस जगह नूं उन्हें करना ऑपरेट करना है, उत्थों के सत्त मैंबर चाहिए आ, अपन सत्त मैंबर चाहिए तो उसको जोड़े आ बना सकते हैं। नहीं, इस तरह ने जी संस्था है उन्होंने रजिस्टर करवाने लिए आप डिस्ट्रिक्ट लैवल भी करा सकते हैं, एक हज़ार भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन, लेकिन आप देखना होता एरिया ऑफ ऑपरेशन की है। एरिया ऑफ ऑपरेशन के हिसाब न ही अपना यह देखना है कि जो मैंबर है वो कितने होने चाहिए है। मान लो अगर वो एक अपना डिस्ट्रिक्ट लैवल से करानी है तो जो सू परसन है जो मैंबर होंगे जो आप एग्जीक्यूटिव कमेटी कह दें, वो जो मैंबर है उस एरिया से चाहिए है, डिस्ट्रिक्ट चाहिए है। अगर अभी स्टेट लैवल से करानी है उस स्टेट के मैंबर होने चाहिए, जो असी नैशनल लैवल से करानी है दैन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से मैंबर होने चाहिए। जो एन जी ओ होंगे आप कह दें कि जी आप रजिस्ट्रेशन कराने बेशक सोसायटी हो ट्रस्ट हो नॉन प्रॉफिट वाले काम भी ही कर सकते हैं, जाके बिजनेस भी कोई ये कर सकता है? नहीं सर, नॉर्मली की है कि ये नॉन प्रॉफिट वाले काम ही चलते जो कोई प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन अगर तुम संस्था में चलाने के लिए तुम्हारे को डोनेशन जो प्रॉपर नहीं है दैन तुम बिजनेस भी चला सकते हैं, लेकिन बिजनेस के ऊपर तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, वो उपर गवर्नमेंट कोई एग्जेम्पशन नहीं देंगे। हाँ, जो प्रॉफिट है वो उपर टैक्स होगा, लेकिन तुम जो प्रॉफिट है यूज कर सकते हैं फॉर द परपज ऑफ इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो आप एन जी ओ बनाई है। जी एन जी ओ या कोई भी ट्रस्ट कह लें, सोसायटी कह लें, जो कुछ भी कह लें, इन रजिस्टर कराने की की तरीके ने कि जो रजिस्टर कराया जा सकता? सर, उस आप गल कर रहे कि किस लैवल से आप रजिस्टर करवाना, जे असं डिस्ट्रिक्ट लैवल से रजिस्टर कराना वो जो प्रोसैस वो डिफरेंट है, जो स्टेट लैवल से करवाना वह प्रोसैस डिफरेंट है, जो नैशनल लैवल से कराना वह प्रोसैस डिफरेंट है। आप गल करते हैं समॉल लैवल तो जिन्होंने आप कह लिए कि डिस्ट्रिक्ट लैवल से है, डिस्ट्रिक्ट लैवल से आप बनाने लिए हो सकता किसी महल्ले ने अपना कोई वेलफेयर सोसायटी बनानी है, या आप कोई हॉस्पिटल करना है, या आप कोई स्कूल रन करना है, उन सारे के लिए अपने एक सोसायटी या ट्रस्ट बनाना पेगा। उस जी सबू एक बेसिक रिक्वायरमेंट वो की हैगी है सत्त मैंबर, सत्त मैंबर इंडियन सिटीजन होने चाहिए जिन्हों को आधार कार्ड, वोटर कार्ड और इंडियन राइट होवे। आपां एनआरआई दे विच कोई मैंबर नहीं बन सकता, इंडियन ही चाहिए, इंडियन के जिहड़े हैगे आ सत्त उन्हां दे आपां नूं प्रूफ चाहिए है, जिस आपां गल करिए आधार कार्ड चाहिए है, सत्त ही उन्हां दे पैन कार्ड होने चाहिए मैंबरां दे, मिनीमम रिक्वायरमेंट है एक मैंबर बनने के लिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उन्हां दी जिहड़ी बैंक स्टेटमेंट एक महीने की घट्टो घट्ट चाहिए है, ये उन्होंने मिनीमम रिक्वायरमेंट्स है जो कि आप सोसायटी के मैंबर बनने के लिए है। ये सत्त सोसायटियां बना के फिर उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है या मेमोरेंडम है जिहड़ा कि आपां नूं राइट किया जाएगा वो आपां सबमिट करना होंदा, प्लस एक प्रेजिडेंट वालों एक एफीडेविट सबमिट करना है कि ये उपर कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा है मैंबर के उपर, और इस नाम की कोई सोसायटी जी है ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं हैगी, दैन ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आप जाके डीआर ऑफिस कह दें उसे जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, और ऑनलाइन सबमिशन तो बाद सर्टिफिकेट है वो ये मिल जाएगा।
ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ NRI ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਨੇ ਉਹ NRI ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ? ਸਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਐਗਜੀਕਿਊਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਐਗਜੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਸਿੰਪਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਸਿੰਪਲ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ NRI ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਰੂਟੀਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ NRI ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਨੋਨ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੰਦਰ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਓ। ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ AR ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਜਿਹਦੀ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਮੌਜੂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਉਹ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਡ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਫਰਜ਼ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਡੀਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਲੀਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਜਗ੍ਹਾ 15 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਮੰਦਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੀਜ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੈਨ ਹੀ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, AR ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ NGOs ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਨਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਮੰਦਰ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਆ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਗੇ ਦੈਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਰਿਸਿਪਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ 35% ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰੇਗੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਿਪਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 35% ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਆ, ਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਊਂਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਰਿਟਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕੋਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ੋਅ ਕੋਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ NGOs ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਰ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੋਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਫਾਰਮ 10A ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੁਆਰਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ 10A ਦੁਆਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਡਿਊ ਟੂ ਸਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ 10A ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ 12 ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਨ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਪਸ ਜੈਨੂਨ ਲੱਗਾ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ
मान लो मैं एक ट्रस्ट है रजिस्टर कराया या मैं स्कूल है या मेरा गुरुद्वारा है, ठीक है, मैंने कितों भी डोनेशन आती है, मान लो किसी एसएससी ने मैंने डोनेशन दी है जिसकी इनकम 10 लाख रुपया है, वो कहना मैं 1 लाख रुपया डोनेशन दूंगा, ठीक है, अगर सोसायटी ATG के अंदर रजिस्टर्ड हैगी है दैन वो जी 1 लाख इनकम जो डोनर है जिन्हें डोनेशन किया है वो उपर टैक्स नहीं लगेगा गवर्नमेंट वालों, लेकिन प्रॉब्लम है कि उन्होंने बाई चैक पेमेंट करनी पेगी, प्लस जरा सोसायटी हैगी धार्मिक स्थान हैगा आ उस तो एक रिसिप्ट लेनी पेगी जिहड़ी कि रजिस्टर्ड होएगी। बिल्कुल सर, बाई चैक पेमेंट करेगा या RTGS करेगा नैफ्ट करेगा कैश की जी है और डोनेशन जी दी होएगी वो एप्लीकेबल नहीं हैगी। सिर्फ सेवा का काम करते रिटर्न नहीं भरते। हाँ जी, बहुत ज्यादा मैं ये कह सकता कि बहुत ज्यादा यह जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते कि देखो इनकम टैक्स नोटिस अजकल आ रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम कितने आ रही है हम बैंक अकाउंट ना पैन कार्ड जो लिंक हो गए हैं, जिदा जिदा बैंक अकाउंट के पैन कार्ड लिंक होते जाएंगे उदा उदा उन्होंने जो नोटिस है वो आ जाएंगे, शो काज नोटिस हर एक आना चाहे छोटी सोसायटी है चाहे बड़ी सोसायटी है, जो उन्हें अपनी इनकम शो नहीं की, मान लो उन्हें पैन कार्ड ले लिया लेकिन अपनी रिटर्न फाइल नहीं की, उन्होंने नोटिस कंपलसरी आएगा ही आएगा। लेकिन आप गल करिए कि आप कह रहे हैं कि समाज का कम कर अपनी रिटर्न जरूर फाइल कर, चाहे नील की रिटर्न बनती है कोई प्रॉफिट है नहीं है लॉस आ रहा है रिटर्न जरूर फाइल कर लो। NRI ने अगर डोनेशन देनी हो किसी संस्था ने किसी NRI तो डोनेशन लेनी हो कि वो तो जिन्ने मर्जी पैसे ले सकता कि वह तो ले सकता कि नहीं ले सकता कि वह तो कैश ले सकता या चैक ले सकता किस तरीके ना कर सकता। सर देखो पहली गल तो यह है कि कोई भी जी अपनी संस्था हैगी चाहे वह सोसायटी है चैरिटेबल ट्रस्ट है चाहे कंपनी अंडर हॉस्पिटल बने NRI तो जरा डायरैक्ट पैसा नहीं ले सकता जब तक कि उन्हें फॉरन रिमिटेंस अपनी RBI तो परमिशन नहीं ली हुई, जो RBI तो परमिशन ले लेंदे चाहे 1 करोड़ लगे चाहे 10 करोड़ लवे वो पर कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, लेकिन कंडीशन यह भी हैगा कि उन्होंने 85% जो एक्सपेंस है वह करना पेगा, जिनी वो रिसिप्ट हैगी 85% जो एक्सपेंडिचर हैगा या उन्होंने उस GI के अंडर स्पेंड करना पेगा करना पेगा। हाँ तो गल कर लें कि सपोज कर लो किसी NRI ने किसी सपोज कर लो मैं संस्था चला रहा हाँ मैनू नहीं पता कि तुम NRI हो तुम मैं चैक कट के देता मैनू नहीं पता NRI अकाउंट है NRO अकाउंट है कहड़ा अकाउंट आ लोकल किसी बैंक का तुम मैं चैक देता मैं अपनी संस्था के अकाउंट चलाया पैसे क्लीयर हो गए फिर भी मेरा फॉल्ट आता है नहीं तुहाडा कोई फॉल्ट नहीं है तुसी अपनी रिसिप्ट ली है तुसी अपनी शो कर दी है प्रॉब्लम ये है कि तुहाडे अकाउंट दे विच बाय बैंक एंट्री आई इस करके कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी तुसी सिर्फ 85% जो अमाउंट स्पेंड करनी है नहीं उत्थे NRI तुहानू डोनेशन दे गया सर NRI नू पुछा जाएगा तुहानू नहीं पुछा जाएगा। अच्छा NRI नहीं दे सकता यानी कि जे किसी नू आउंदी है तो ले सकता। सर देखो मैनू डोनेशन आ गई मेरे अकाउंट दे विच डायरेक्ट कोई ट्रांसफर कर गया दैन क्योंकि जिन्हें भी NGO है असं वो कोई ऐड आती है या कि भी नंबर अकाउंट नंबर दिता हुआ होंगे हम आप गल कर लिए किसी भी संस्था की गल कर लिए उन्होंने अकाउंट नंबर दिता होंगे उसे कितों भी अमाउंट आ सकती है फॉरन तो भी आ सकती है लेकिन प्रॉब्लम यह हैगी है कि तुम्हें आ सकती है लेकिन तुम्हें डिटेल देनी पेगी गवर्नमेंट को अगर तुम्हारे को कल गवर्नमेंट इंक्वायरी कर दी कि पेमेंट कितों आई है तुम अकाउंट नंबर दस सकते हैं इतों मैंने पेमेंट आई हाँ बिल्कुल मेरा काम की है कि मैं वो जो अमाउंट है वो एक्सपेंड करनी है फॉर द परपज ऑफ वेलफेयर ऑफ सोसायटी। थैंक यू मुकेश जी। तो अज सारे दर्शकों जो मुकेश जी ने दसिया कि जेडे NGO आ ट्रस्ट आ जा सोसायटी आ बेशक वह धार्मिक स्थान होवे जां होर कुछ भी चलाउंदे होण उन्हां लई इनकम टैक्स रिटर्न भरनी जी बहुत ज़्यादा जरूरी आ ते नाल ही उन्हां नूं जेडे आ अपने जो भी कानून अनुसार जेडे पेपर वर्क आ वह करने जेडे ने बहुत जरूरी होंदे ने। तो अगली बार नवा टॉपिक लैके थोड़े लई हाजिर होवांगे। अज दी दिओ सानूं इत्थे इजाजत बहुत बहुत थैंक यू।